फ्रेंड्स, कैसे हो बच्चों? आई होप सभी अच्छे होंगे और ध्यान से पढ़ रहे होंगे। आज मैं आपको, पिछली बार मैंने जो आपको थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन के बारे में बताया था, ठीक है? आज उसी से रिलेटेड आगे का टॉपिक चलता है, ठीक है? तो उसमें हम बताते हैं कि फूल के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं बच्चों। फूल के प्रकार फूल बच्चों दो प्रकार के होते हैं, ठीक है? पहला उभयलिंगी पुष्प, दूसरा है एक लिंगी पुष्प। इनमें डिफरेंस क्या है बच्चों? इनमें डिफरेंस ये है कि दोनों में के जो उभयलिंगी पुष्प होता है, उभयलिंगी पुष्प वह पुष्प कहलाता है जिसमें वो एक ही पुष्प में दोनों लिंग मौजूद हो, यानी कि नर और मादा। नर मादा, इसमें नर और मादा दोनों ठीक है, एक ही पुष्प में, एक ही पुष्प में। ठीक है, और इसमें एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होता है कि जिसमें नर और मादा एक ही पुष्प में मौजूद ना हो, ठीक है? या तो नर हो या मादा हो, ठीक है? दोनों अलग अलग हो। इसका एग्जाम्पल जो है एक लिंगी पुष्प का, गुड़हल इसका एग्जाम्पल है, ठीक है? और सरसों का पौधा भी इसका एग्जाम्पल है, एक एक लिंगी पुष्प का, और उभयलिंगी, सॉरी, एक लिंगी पुष्प नहीं, उभयलिंगी पुष्प का, ठीक है? उभयलिंगी पुष्प का, गुड़हल, सरसों आदि। और इसका एग्जाम्पल जो है, इसका एग्जाम्पल है बच्चों पपीता, ठीक है? पपीता, तरबूज, ठीक आदि। ये जो है ये एक लिंगी पुष्प के एग्जाम्पल है, ठीक है? तो ये तो हो गए दो तरह के पुष्प। अब बात करते हैं हम पुष्प की संरचना के बारे में कि पुष्प होता क्या है, ठीक है? तो पुष्प की संरचना मैं बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है?
ठीक है बच्चों, ये एक पुष्प की संरचना है, ठीक है, ये एक पुष्प की संरचना है। इसमें चार भाग होते हैं, ठीक है। सबसे पहले भाग को क्या बोलते हैं, इसको बाह्य दल, ठीक है। एक को तो बाह्य दल बोलेंगे, और जब कई सारे इकट्ठे होते हैं तो बेटा उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज, ठीक है। इसको बोलते हैं पंखुड़ी, यानी कि दल, पंखुड़ी भी बोल देते हैं। तो रंग बिरंगी होती है पंखुड़ी, ठीक है, बहुत सारी अलग अलग होती है, मैंने दो बनाई है, ठीक है। अब ये जो बीच का भाग है, इसको बच्चों बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के तीन भाग होते हैं। सबसे पहला भाग होता है, उसको बोलते हैं जो ऊपर होता है, इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्तिकाग्र। ये तो हो गया वर्तिकाग्र। के बाद ये जो नली टाइप का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं वर्तिका, ठीक है। ये वर्तिका हो गया, और ये हो गया आपका अंडाशय, ठीक है। ये तीनों भाग मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? स्त्री केसर। क्या बनाते हैं? ये स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से मैं उभयलिंगी पुष्प का बता रहा हूँ, ये जो भाग है, ये बच्चों इसका पुंकेसर भाग कहलाता है। पुंकेसर में भी दो भाग होते हैं। ये जो भाग होता है, इसको बोलते हैं परागकोश, इसको बोलते हैं बेटा तंतु। ये दोनों भाग क्या मिलकर बनाते हैं? पुंकेसर। ठीक है, तो ये पुंकेसर ये दोनों भाग मिलके पुंकेसर बनाते हैं। और जो ये भाग होता है इसका, ये पार्ट बच्चा बोला जाता है बीजांड। ये बीजांड बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि फूल के जो भाग होते हैं, चार भाग होते हैं। एक तो स्त्री केसर हो गया, दूसरा पुंकेसर हो गया, तीसरा दल हो गया, चौथा बाह्य दल हो गया, ठीक है। इन चार भागों से मिलकर एक पुष्प बना होता है। बहुत आसान है, बिल्कुल इजी। आपकी बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट सा फोटो दिया हुआ है, पिक्चर दिया हुआ है, आप इस पिक्चर को देखकर आराम से अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपको बताते हैं कि ये जो है फूल, ठीक है, ये बच्चों पौधे का जो होता है, ये लिंग होता है, ठीक है ना, लैंगिक जनन का अंग होता है, यानी कि लैंगिक अंग होता है बच्चों, सॉरी लिंग नहीं, मतलब लैंगिक अंग होता है, जिससे नए पौधे का या फल फ्रूट का या बीज का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे कि एक फूल से किस प्रकार फल बनता है, ठीक है ना, यह बीज बनता है। बीज के निर्माण की प्रक्रिया देखते हैं हम लोग क्या होता है। बीज के निर्माण की प्रक्रिया, तो बीज के निर्माण की प्रक्रिया में क्या होता है कि मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। ये जो पराग कोश है, कोई सा भी पराग कोश, इनमें परागकणों का निर्माण होता है। परागकण बहुत छोटे छोटे, आप अगर किसी फूल को तोड़ के देखो तो उसमें पीला पीला सा पाउडर निकलता है इस साइड में से, ठीक है ना, वो परागकण होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, महीन होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। वो
निकलते हैं, वो निकलने के बाद अगर ये इसका निकल कर इसी पर बैठ जाए परागकण, तो उसको बच्चों स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। या किसी और फूल का आकर इसके वर्तिकाग्र पर बैठ जाए तो उसको बोलते हैं बेटा परपरागण, ठीक है। क्या होता है? परपरागण कहते हैं। किसी और फूल का अगर इस पर बैठ जाए या इसी फूल का परागकण इसी फूल के वर्तिकाग्र पर बैठ गया तो उसको स्वपरागण कहते हैं, ठीक है। ये जो परागण होता है ये कैसे होता है, ठीक है। परागण, परागण यानी के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है बच्चों, ठीक है। ये हवा के जरिए, पानी के जरिए या जंतुओं के जरिए होता है, ठीक है। तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, आगे मैं आपको बताता हूं इसका कि किस तरह से होता है। ठीक है, ये एक बीच का स्त्री केसर है, स्त्री केसर पर एक परागकण आके बैठा, ठीक है। तो परागकण से क्या होता है बच्चों, इसमें एक क्या बताया था मैंने आपको, बीजांड बताया था, ये बीजांड होता है। बीजांड के अंदर कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। ये जनन कोशिका होती है, ये जनन कोशिका होती है, ठीक है। जब ये इस पर आकर बैठ जाता है यानी कि परागकण वर्तिकाग्र पर आकर बैठ जाता है तो इसमें से एक पराग नली का निर्माण होता है, ठीक है। वह पराग नली सीधा कहां जाती है, बीजांड में। इसमें जाती है बच्चों, बीजांड में जाती है, क्या बना देते हैं ताकि इसमें पता चल सके, ठीक है। तो बच्चों ये जो होता है परागकण, इसमें होता है नर युग्मक होता है। इसमें क्या होता है, नर युग्मक, ठीक है। नर युग्मक होता है, वह सीधा पराग नली के जरिए जाता हुआ पराग नली से जाता हुआ सीधा ये जो होते हैं जनन कोशिका को मादा युग्मक भी बोल देते हैं, मादा युग्मक, मादा युग्मक बोल देते हैं, ठीक है। सीधा इसमें जाता है नर युग्मक, मादा युग्मक से मिलता है और उसके बाद क्या होता है बच्चों, निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन की प्रक्रिया होने के बाद क्या होता है, जो बीजांड होता है बेटा, बीजांड क्या बनता है, बीज का बन जाता है, ठीक है ना। निषेचन प्रक्रिया होती है, निषेचन प्रक्रिया होने के बाद जब नर प्लस मादा आपस में मिलेंगे तो निषेचन होगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनेगा बच्चों, निषेचन के परिणाम स्वरूप बनेगा युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज आगे चल के भ्रूण बनता है, भ्रूण से बीज बन जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है इतना आगे। अब इसमें ये जो होती है ये नर युग्मक हो गया, ये होती है पराग नली, ये होगा अंडाशय,
ठीक है, ये अंडाशय होगा। उसके बाद इसमें मादा युग्मक होगा, ये बच्चों बीजांड है, ठीक है, ये बीजांड होगा, ये वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिकाग्र, और ये क्या हो गया, प्राकण, ये प्राकण हो गया। तो इस तरह से जैसे कि ये नर युग्मक मादा युग्मक के पास पहुंचकर निषेचन प्रक्रिया होने के पश्चात युग्मनज बनता है, और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण से ठीक है क्या बनता है, बीज बन जाता है। ठीक है, जब ये निषेचन हो जाता है तो उसके पश्चात क्या होता है कि जो बाकी के हिस्से हैं जैसे कि पंखुड़ी झड़ जाती है, बाह्य दल वो भी झड़ जाता है, और जो पुंकेसर होता है वो भी झड़कर गिर जाते हैं, और फिर उसके बाद क्या होता है, ये सब, ये जो इतना भाग है, इतना भाग जो है ये यही फल बीज और फल का निर्माण करता है। ठीक है, कल से आप नेक्स्ट क्लास में आपको किस तरह से मतलब लैंगिक जनन, मनुष्य में किस तरह से लैंगिक जनन होता है उसके बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद आज के लिए, और आपका, आप खुश रहो, अपना ध्यानपूर्वक पढ़ते रहो, मेहनत से पढ़ो, और अपना 10th क्लास में अच्छे नंबरों से अव्वल आओ। थैंक यू।